आज का टॉपिक है कि डायमेंशन। डायमेंशन सेट करने के लिए एक चीज का शॉर्टकट ये होता है कि डी, जैसे हमने डी प्रेस किया तो एक बॉक्स ओपन होगा। तो इस बॉक्स में सबसे पहले हमें डायमेंशन सेट करनी है। तो इसमें ये यहाँ से सेट करें न्यू मॉडिफाई ओवरराइड, ये कंप्रेस ये है। इसमें से हमें कुछ नया बनाना है तो न्यू क्लिक करेंगे। जैसे इसी को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। तो मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो इसमें से ये बॉक्स ओपन होता है। तो इसमें ये बॉक्स है लाइन सिंबल टेक्स्ट फिट प्राइमरी यूनिट अल्टरनेट यूनिट ये टोर लेंस ये मैकेनिकल के काम का है। तो सबसे पहला आता है इसमें लाइन, तो लाइन पे क्लिक करते हैं। तो लाइन में आता है लाइन कलर आता है और ये आता है लाइन टाइप आता है, लाइन वेट आता है। तो इसमें जैसे हमने कोई भी कलर चेंज करना हो रेड येलो ग्रीन क्ले ब्लू, जैसे मुझे रेड करना है तो रेड पे क्लिक किया, येलो करना तो येलो पे क्लिक करूँगा। लेकिन मुझे कलर नॉर्मली अच्छा सही लगता है तो नॉर्मल कलर सही है। इसके बाद लाइन टाइप है लाइन वेट है, तो ये मतलब चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हो। लाइन टाइप जैसे ये कोई सा भी डेस वाला लेना है, जैसे डेस वाला लेना है कंटिन्यूस लेना है ना बाई लेयर सही है। तो इसमें लाइन में सबसे मेन होता है कि एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन एंड ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। तो एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन, जैसे एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन, इस डिम लाइन की इसकी बात करा, जैसे ये लाइन है ना ये कितनी ऊपर रखनी है कितनी नीचे रखनी है, और ऑफसेट फॉर ओरिजिन तो ये इस जगह की बात कर रही है, इससे कितनी ऊपर होनी चाहिए कितनी नीचे होनी चाहिए। एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन की बात करते हैं, जैसे मैंने एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन को बढ़ाता हूँ, देखो ये लाइन धीरे धीरे नीचे आती जा रही है, फिर से देखना ये धीरे धीरे मुझे एडजस्ट कर जिस प्रकार से रिक्वायर्ड हो उस प्रकार से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये लाइन मुझे इसे बढ़ाना तो ये यहाँ से बढ़ती है, यहाँ से बढ़ रही है, ये इसमें लाइन में केवल ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अगला सिंबल, तो इसमें जैसे ये रहता है नॉर्मल, तो इसमें हमें सेट करना रहता है कि आर्किटेक्चर की ड्राइंग बना रहे हैं तो आर्किटेक्चर की ये बना रहे हैं तो इसमें फर्स्ट में भी सेकंड में भी लीडर में भी ये करना होता रहता है आर्किटेक्चर वाले, ये हो जाता है इसमें ये इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट है एरो की साइज, ये एरो की साइज है, जैसे हम ये एरो इसकी साइज कितनी बढ़ानी है, जैसे हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये कितना काम ज़्यादा रखना है जैसे रिक्वायर्ड हो उसके अनुसार हम सेट कर सकते हैं। अगला है टेक्स्ट, इसमें स्टैंडर्ड होता है ब्लॉक होता है कि इसकी हाइट कितनी रखनी है, जैसे नॉर्मली हाइट होती है 7 इंच 8 इंच सही होता है, 7 इंच करना है मुझे 8 इंच करना तो 8 इंच कर दूंगा, इसकी साइज होती है। इसमें फिट में अगला है फिट में कुछ ये पूरा सेट एकदम प्राइमरी, अगला आता है प्राइमरी यूनिट्स, ये प्राइमरी यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यूनिट लिमिट ग्रिड जूम ये सेट करते समय हमें प्राइमरी सेटिंग सेट करते समय, यहाँ पे मैंने जैसे प्राइमरी सेटिंग में यूनिट में मैंने डेसिमल सेट किया था तो इसमें भी डेसिमल ही करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग किया आर्किटेक्चर किया कुछ भी किया तो साइंटिफिक किया तो वो भी यहाँ पे करना होगा। जैसे मैंने वो प्राइमरी यूनिट सेट करते समय मैंने डेसिमल किया तो इसमें भी डेसिमल ही करना होगा। यहाँ पे इंजीनियरिंग किया तो मैंने इंजीनियरिंग कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग कर दिया एक अप्रिसिएशन के लिए मैंने 0 और ये इसमें नॉर्मल ये सब कुछ सेट कर दिया। और अगला है अल्टरनेट यूनिट, जैसे मेरे जो एक साथ दो यूनिट को दर्शाना है तो अल्टरनेट यूनिट का यूज करूँगा। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग कर दी और प्राइमरी यूनिट सेट करते समय भी मैंने इंजीनियरिंग की सेट की थी तो यहाँ पे इंजीनियरिंग आ गई। यूनिट सेट करते समय मुझे डेसिमल सेट किया तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग सेट की थी उस समय भी और यहाँ पे इंजीनियरिंग आ गई। और अब मुझे दो यूनिट को दर्शाना है शो करना है एक साथ में, एक इंजीनियरिंग में करना है एक इसमें करना, तो यहाँ पे मुझे इसे ऑन कर दूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा इन डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे मुझे इंजीनियरिंग कर दी इंजीनियरिंग में आ गई और यहाँ पे डेसिमल कर दूँ, यहाँ पर भी मैं इंजीनियरिंग में ही कर दूंगा तो ये एक जैसी दो यूनिट हो जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग और यहाँ पे डेसिमल कर दूंगा
तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसे मैं कितना भी कर सकता हूँ, ये ऐसे करके। तो फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। लाइन में होता है कि लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन और ऑफसेट फॉर ओरिजिन होता है, सिंबल में सिंबल होता है, और एरो साइज होती है। टेक्स्ट में ये होता है कि हाइट कितनी रखनी है, मैं आवश्यकता अनुसार इसकी हाइट चेंज कर सकते। फिट में कुछ नहीं इम्पोर्टेंट, ये पूरा सेट होता है। प्राइमरी यूनिट्स में हम इंजीनियरिंग जो भी हमें यूनिट सेट करते समय की थी, वही यूनिट हमें यहाँ पर सेट करनी रहती है। और अल्टरनेट यूनिट में एक साथ दो यूनिट शो करनी है, तो हमें अल्टरनेट यूनिट का, लेकिन मुझे अभी शो नहीं करना। तो ऐसे करके हम सेट कर सकते हैं पूरे को। फिर हमें ओके करना है, फिर आई स्विच पे क्लिक करके सेट करंट करके क्लोज। थैंक यू।